नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजार की चाल में यहां पर चर्चा होगी कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कमोडिटी बाजार में वो कौन सी कमोडिटीज होंगी जिनमें आप आने वाले समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और ओवरऑल कुल मिलाकर कमोडिटी बाजार आगे भविष्य में कैसा ट्रेड करता नजर आएगा, इस पर चर्चा होगी और हमारे एक्सपर्ट की उस पर क्या राय रहेगी ये सब जानेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले NCDX के बाजार से, यानी कृषि फसलों से, और कृषि फसलों में भी हम सबसे पहले शुरुआत करें यहाँ पे बिनौला खल से। तो बिनौला खल में तो देख रहे हैं कि बिनौला खल का जून वायदा 2841 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आज जुलाई वायदा की बात करें तो जुलाई वायदा भी 2880 पर है, वहीं अगस्त वायदा 2900 के ऊपर है। जिस हिसाब से बिनौला खल में हमने 2600-2700 तक जो प्राइजेस है नीचे जाते हुए देखे थे और उसके बाद जो प्राइजेस यहाँ से रिवाइव हुए हैं, अब उनसे तो यही लग रहा है कि बिनौला खल ज़्यादा गिरावट की ओर नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बिनौला खल के जो प्राइसेस हैं वो 3000 के ऊपर निकलते हैं या फिर नहीं। वैसे फंडामेंटल साइड से देखें तो फंडामेंटल साइड से तो बिनौला खल जो है वो मजबूती की ही हो रहा है। बिनौला खल के जो प्राइसेस हैं फंडामेंटल की तरफ से मजबूत है, फंडामेंटल्स बिनौला खल के मजबूती नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ से कॉटन सीड ऑयल के यानी बिनौला खल में आगे क्या प्राइसेस रहेंगे, क्या फ्यूचर है बिनौला खल का, जानने थे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसी पर। अजय जी, सबसे पहले आपसे कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। हमने कॉटन सीड ऑयल केक की जो प्राइसेस है उनको 2700 तक भी नीचे लो में जाते हुए देखा है, लेकिन अब देख रहे हैं कि 2800 के ऊपर है और जो अगस्त वायदा है वो 2900 के ऊपर है। तो अजय जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से मिल्क प्रोडक्शन कम है और जो फंडामेंटल्स हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिनौला खल के जो प्राइसेस हैं फिर से 3000 रुपए के ऊपर निकल जाएं? बिल्कुल सर, देखिए आप कोई भी चीज को हम लोग एनालाइज करते हैं कमोडिटी को, तो उसको फंडामेंटल बेस पे किया जाता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई ये 3000 से 3400 के बीच में है, 3400 तोड़ता है तो बिल्कुल 4000 भी जा सकता है। जिस दिन से हमने देखा कि सबसे अच्छी थी का लेवल तोड़कर प्राइजेस ने 2750 का लेवल मारा है, लेकिन आप ये भी देखिए पिछले एक डेढ़ महीना हो चुका है प्राइजेस 2750 के नीचे फंडामेंटल न्यूज ये एक्सपेक्ट के मार्केट जो है वो 2750 के नीचे भी नहीं जाएगा, 3050 के भी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन तीन इंपॉर्टेंट चीजें जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, देखा कि कॉटन की अगर हम प्रोडक्शन की बात करें ये क्लियर हो गया कि हमारे पास काफी। दूसरा चीज आप ये समझ के चलिए नया माल है वो ऊपर से पहले जब गर्मी बढ़ी है जिस समय हम देखते हैं डेयरी के इंटेक थोड़े बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। अब जैसी बारिश आएगा तो मिल्किंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा और जो करेक्शन लेना था भाव में वो अच्छा करेक्शन लेने की वजह से अब ये काफी अट्रैक्टिव लेवल से बन चुका है। आपको देखिए कि जब जब प्राइजेस ने 2730-40 का लो मारा है तुरंत रूप से मार्केट में बाइंग आई। इनफैक्ट अगर जो गिरावट आई भी है फ्यूचर्स पे आई है, हाल ही में आप देखेंगे बड़ी कोई गिरावट नहीं है और माल में लेवाली भी धीरे धीरे बढ़ी है। आई थिंक 10 जून तक मार्केट कंसोलिडेट करेगा जो 2750 के नीचे भी जाएगा, 3050 के ऊपर भी जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग 10-12-15 जून के बियॉन्ड जाते हैं तो डेयरी इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी और ये पूरी ताकत से वापस 3150 से 3200 या उसको बियॉन्ड जाने की ताकत रखता है। तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, बट 10 जून तक मार्केट मुझे लगता है साइड रहेगा। जी अजय जी, कॉटन को भी हमने 50,000 के बाद यहाँ से उसमें कुछ करेक्शन आते हुए देखी है, तो आपको क्या लगता है ये इंटरनेशनल जो मार्केट अप डाउन हो रही है, कीमतों में तेजी, वहीं जो ड्राउट कंडीशंस हैं वो देखने को मिल रही हैं, तो ऐसे में अब ओवरऑल कॉटन का बाजार कैसा रहेगा? देखिए कॉटन में हमने देखा कि जैसे हमने फंडामेंटल में चेंजेस होते हुए देखा मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी बनी हुई है। एज ऑफ नाउ हमने देखा कि गवर्नमेंट एक्शंस के चलते अपसाइड थोड़ा गैप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सेस के अंदर जो ड्रॉट कंडीशन था उसमें दो व्यू बन रहा है, एक है थोड़ा बहुत बरसाती हुई है जिसकी वजह से उम्मीद है कि आगे जाके थोड़ा कूल ऑफ होगा, बट कल पिक्चर अपडेट यही है कि वहां पे ड्रॉट कंडीशन और सीवियर हो रहा है जिसके चलते कल हमने 4 सेट की तेजी मतलब 140-141 148 तक भी देख दिए थे। टाइमिंग मुझे लगता है शॉर्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट से कंसोलिडेट करेगा,
प्राइसेस जब तक 48,500 के ऊपर नहीं जाता है, हाई प्रोबेबिलिटी की हम 43,000 तक का भी लेवल देखें। रीजन से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी स्क्रैप एक्सपोर्ट के ऊपर या स्टॉक लिमिट के कुछ एक्शन लेने की बात की है, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट ठंडा पड़ा है और डिमांड में भी ड्रॉप है। तो कॉटन में मुझे लगता है करेक्शन व्यू है जो 45-45 तक का एक पुल बैक दिखा दे। पर ध्यान रखिए नया माल अक्टूबर से पहले नहीं आता है और पूरी ताकत के साथ वापस मार्केट रीरोल करता है तो 65,000 का भी लेवल क्रॉस कर जाएगा। बट टाइमिंग 10-15 जून तक, जब तक बरसात और सोइंग की क्लियरिटी नहीं है तब तक हो सकता है 45 या उसके नीचे भी दिखा दे, बट ये करेक्शन के रूप में देखना चाहिए। जी अजय जी, यहीं से बात करें अगर वीट की, तो हाल ही में सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो अब आपको क्या लगता है ये जो बातें कही जा रही हैं कि मंडियों में वीट की जो अराइवल्स हैं अब वो कम हो गई हैं, दूसरा जो किसान है उसको स्टॉक कर रहे हैं। अजय जी, देखने वाली बात ये भी है कि किसानों ने अपना ज़्यादातर जो स्टॉक है वो पहले से ही एक्सपोर्टर्स और व्यापारियों को बेच दिया है, तो अब क्या संभावनाएँ हैं वीट के अंदर? देखिए वीट में मेरे को कोई अंदर से कोई मंदी दिखती नहीं है। देखिए गवर्नमेंट के जो एक्शन थे वो इनलाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। आप देखिए ग्लोबल में सभी कंट्रीज, श्रीलंका के केसेस के बाद हमने देखा प्रिकॉशनरी सभी स्टेप्स ले रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन को कम करता है, उसी के तहत गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। लेकिन आप ये देखिए इस स्टेप की वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस में बड़ा शूटअप हुआ है। टाइमिंग जो है जगह पे उसकी वजह से थोड़ा पुल बैक देगा, लेकिन अभी भी आप इस बार एक चीज और ध्यान रखिए कि देखिए हमारा प्रोडक्शन कम, ग्लोबल मार्केट की बात करो प्रोडक्शन की कमी नहीं है, बट लड़ाई के चलते जो सप्लाई डिस्टर्बेंस है बिकॉज ऑफ दैट प्राइसेस में जंप है। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सीवियर बड़ा फॉल होगा या सीवियर जंप होगा। 2100-2150 के नीचे नहीं जाएगा, 2550-2600 के ऊपर भी नहीं जाएगा, मार्केट दायरे में रहेगा, बट कोई फ्री फॉल या कोई फ्री बड़ा जंप दोनों ही नहीं होने वाला है। काउंटर थोड़ा स्लगिश हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट एक्शन आगे चालू हो चुके हैं, तो आई थिंक उसका अगेंस्ट को जाकर कोई मतलब नहीं है, तो मार्केट साइड में रहेगा। इसमें कोई ऐसा बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी या मंदी नहीं दिख रही है मुझे। जी अजय जी, वीट में अगर रशिया और यूक्रेन की बात करें तो रशिया और यूक्रेन दोनों ही वर्ल्ड की 1/3 वीट की सप्लाई की पूर्ति करते हैं और अभी उन दोनों देशों के बीच में जंग जारी है, तो अगर ब्लैक सी से जो आवाजाही है शिपमेंट्स की वो चालू होती है तो कितना डाउनफॉल देखने को मिल सकता है वीट के अंदर? देखिए मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है जी। जो ब्लैक सी एरिया से जो शिपमेंट्स रुके हुए हैं उसकी वजह से ये फॉल है। कल भी हमने कुछ देखा है कि जो ब्लूमबर्ग के हवाले से कुछ रिपोर्ट आ रही है कि मार्च में जहाँ जहाँ पे युद्ध टगा था मई में उसके मुकाबले एरिया में रह चुका है, मतलब कदारते हैं कि खत्म हो जाए। तो हम उम्मीद करते हैं अगले 4-5 दिन में अगर ये खत्म हो जाता है और जून से चीजें इंप्रूव होती है तो सप्लाई क्विकली रिस्टोर होना चालू हो जाएगी। ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन का डर सभी को बना हुआ है जिसकी वजह से रिसेशन का भी डर बन गया है, कि अगर ये सप्लाई रिस्टोर होती है इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 मंथ, मतलब 1-1.5 महीना मिनिमम लगेगा उसमें रिस्टोर, क्योंकि अभी भी आप देखिए पोर्ट्स के ऊपर कंजेशन काफी है, चाहे हम चाइना की बात करें चाहे बाकी कोई पोर्ट्स की बात करें। तो मुझे लगता है 1-1.5 महीना मिनिमम लगेगा कि सब जगह से, चाहे हम सनफ्लावर ऑयल की बात करें चाहे हीट की बात करें या फिर कमोडिटी की बात करें, यहाँ पे 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है या जुलाई मिड से जुलाई एंड के बीच में जो एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज है जो एक दूसरे देश में जाती है यहाँ पे हम पुल ऑफ पार्टी में देखेंगे वो कल इसमें गिरावट। इनका पिछले 2 दिन से अगर आप देखेंगे ना तो मक्का टूट रहा है, सोया में थोड़ी बहुत गिरावट आना चालू हो चुकी है, गेहूं में गिरावट है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं बाकी कमोडिटीज में भी हाई लेवल से प्रेशर कंटिन्यू बन रहा है। जी अजय जी, हमने शुगर के ऊपर भी एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगते हुए देखा है शुगर के ऊपर, तो आपको क्या लगता है अब ग्लोबली शुगर की जो सप्लाई है क्या वो ठीक ठाक है, क्या इतनी सप्लाई है कि जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा ऊपर ना जाएं, या फिर जो सप्लाई है शुगर की वो अभी कम है? देखिए शुगर का एक अलग पॉइंट ये भी चल रहा है कि ऑलमोस्ट अगर हम 2 मिलियन टन के आसपास के अराउंड का डेफिसिट पहले बताया गया था, ग्लोबल का अगर हम मार्च का जो डेटा देखें तो यहाँ पे भी बताया था 1.1 मिलियन टन के आसपास का डेफिसिट रहेगा। उसका कारण है बायोफ्यूल, जिस ढंग से हमने देखा एथनॉल के लिए यूसेज बढ़ा है तो डिमांड काफी बढ़ा है और तो गवर्नमेंट एक्शन ले भी रही है, तो दैट इज इन लाइन ऑफ एक्शन बिकॉज आप ये समझे कि जिस ढंग से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो
अभी मैंने रिसेंटली श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया है, तो गवर्नमेंट टेकिंग एटमोस्ट ऑल कैश कि यहाँ पे प्राइस भरे नहीं, जिसकी वजह से ये एक्शन क्लियर है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि शुगर में पिछले 2-3 सालों में कोई एक्स्ट्रा नहीं बड़ी तेजी भी आई नहीं है, और जिस ढंग से अभी एथनॉल के अंदर बाकी जगह पे यूसेज है, मे बी $20 के आसपास का मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर ये 20-40 के लेवल ब्रीच हो जाए तो आई थिंक एक अच्छी खासी तेजी बन जाएगी, क्योंकि इंडिया और ब्राजील ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूसर में आता है, और जहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया ने ऑलरेडी 7 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास का एक्सपोर्ट किया हुआ है जी। जो 17-18 के मुकाबले अगर देखें तो 6,20,000 टन से ऊपर का है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट के लिए कि अभी वीट है, राइस है, एडिबल ऑयल है, इन पे धीरे धीरे अभी से कर्ज करेंगे तब जाके हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, क्योंकि अभी सीजन फेस्टिवल सीजन आगे जैसे जैसे बढ़ेगा इंडिया का कंजम्पशन और सुधार करेगा, तो गवर्नमेंट इस चीज को देखते हुए एक्शन लिए और प्राइसेस बढ़े नहीं आगे जाके, ये बिकॉज का ही टैक्स लिया जा रहा है जी। अजय जी, सरकार का एक्शन हमने खाद्य तेलों के ऊपर भी आते हुए देखा है। सरकार ने बोल दिया है कि खाद्य तेलों के ऊपर 2 साल के लिए किसी भी तरह की कोई भी आयात शुल्क, कोई भी ड्यूटी नहीं रहेगी, जितना चाहे इंपोर्ट हो सकता है। तो अजय जी, इसका असर अब खाद्य तेलों के बाजार पर कितना देखने को मिलेगा? देखिए, मेरे हिसाब से 15 जून के बाद अगर हम देखते हैं तो पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर मुझे जबरदस्त मंदी लगती है। उसके 3 मेजर कारण है। पहला है ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सभी कंट्रीज एडिबल ऑयल के पीछे पड़ी है कि इसको नीचे लाओ, क्योंकि भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जी। सेकंड है क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो आप देख रहे हैं यूएस कंटिन्यू अपना स्ट्रेटेजिक मेजर निकाल रहा है, यूएस वेनेजुएला इराक ईरान इन सबसे बात ये कर रहा है कि प्रोडक्शन आप बढ़ाओ, रशिया अपना आउटपुट कंटिन्यू बढ़ा रहा है, यूएस अपना आउटपुट जो 13.2 मिलियन डॉलर का टारगेट रखा है 2023 तक वो भी बढ़ा रहा है। रिग काउंट के अंदर अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद करीबन 70 रिग्स बढ़े हैं, जो वन ऑफ इट्स काइंड है, पिछले 5 सालों में इतने रिग्स हमने कभी बढ़ती हुई नहीं देखे। साथ में पीयूष गोयल जी ने दावोस में भी कहा है कि मैटर ऑफ टाइम है, जो ये अभी प्राइजेस चल रहे वो आगे जाके नॉर्मल में आ जाएगा। तो मुझे लगता है अगर कहीं ना कहीं ये कच्चे तेल के भाव वापस 80-85 डॉलर ये मिल जाते, चाइना में भी जो लॉकडाउन है उसकी वजह से भी डिमांड कंसर्न बनी हुई है, इकोनॉमिक नंबर भी खराब है, तो अगर क्रूड 80 डॉलर जो माना जा रहा है कि ईयर एंड तक मिल सकता है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप देखिए जो बायोफ्यूल की डिमांड है वो सबसे ज्यादा हर्ट करेगी। तो एक तरफ हम देख रहे हैं गवर्नमेंट प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें कर रही, चाहे ग्राउंडनट की हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे बस्टर को, ऑलरेडी पिछले साल हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखा है। दूसरी ओर कच्चा तेल कम होता है तो बायोफ्यूल की कमी आएगी, तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि 15 जून तक जो तेजी बनेगी वो बनेगी। सोयाबीन के सोइंग के फिगर्स आने के बाद जो गिरावट चालू होगी वो मुझे लगता है इनकेस अगर कोई लड़ाई छिड़ती नहीं है और कुछ नहीं होता है तो मुझे लगता है जो भाव अभी मई में हमने तेजी देख चुके हैं वो तेजी अगले 1 साल तक नहीं दिखेगी जी। अजय जी, इसी के साथ साथ अब बाजार में ऐसी चर्चाएं हैं कि जिस हिसाब से सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया है तो सरकार अब उसी तरह से चावल के भी निर्यात पर बैन लगा सकती है, तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही है कि अब राइस के ऊपर सरकार का अगला एक्शन होगा, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि चावल के जो प्राइसेस हैं वो तेज होते जा रहे हैं? देखिए, राइस का मार्केट काफी बड़ा मार्केट है और अभी भी बासमती जो हम बात करते हैं जी, वो एक ऐसा पॉपुलर क्वालिटी है जो सभी चाहते हैं, बट अभी तक फ्रेंकली कोई ऐसा गवर्नमेंट का प्लान नहीं है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आए हैं, तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से, बट अगर होता भी है तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा है कि गवर्नमेंट अगेन इन्फ्लेशन को लेकर आज 22-23 का जो राइस एक्सपोर्ट है वहां पे भी ग्रोथ के जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छा बता रहे, जो करीबन रिकॉर्ड शिपमेंट हमने 20 लाख मिलियन टन के आसपास का देखा है, जो 9.6 बिलियन डॉलर का 21-22 के अंदर वैल्यू रखता है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के डर के मारे, चाहे हम एडिबल ऑयल की बात करें, चाहे ग्रेन्स की बात करें, चाहे फर्टर्स की बात करें, तो चौथा गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। नो डाउट एक अच्छी न्यूज हमारे लिए ये है कि नॉर्मल मानसून इस बार बताया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं राइस के प्रोडक्शन को बूस्ट ही करेगा जी। तो मुझे इमीडिएट में तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मानसून हमारा अच्छा है, स्टॉक हमारा अच्छा है, और ऐसी कोई किल्लत हमने डोनेशन देखी है। एफसीआई की बात करें तो एफसीआई में भी करीबन 32 MT के आसपास का राइस का स्टॉक बढ़ती हुई देखा, तो बफर स्टॉक की बात करें तो करीबन 13.58 मिलियन टन के आसपास का है, तो काफी ज्यादा है। तो
आई थिंक कोई भी ऐसा पैनिक सिचुएशन नहीं है राइस में, बट इन्फ्लेशन है उसमें हम लोग पैनिक में है, उसके चलते गवर्नमेंट अगर स्टेप लेती भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट एज ऑफ नाउ कुछ भी बोलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इन्फ्लेशन कंसर्न बना हुआ है, उसको टेक केयर करना गवर्नमेंट की हायर प्रायोरिटी, क्योंकि श्रीलंका वाला केस कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे इधर भी आएगा और कोई भी स्टूडेंट वापस पहुंचे। जी अजय जी, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से हर एक कम्युनिटी के जो प्राइजेस हैं, चाहे हाजिर हो चाहे वायदा हो, सब में लगातार तेजी ही आ रही है और सरकार इनके जो एक्सपोर्ट है उन कीमतों को थामने के लिए इन पर बैन भी कर रही है, तो आपको क्या लगता है क्या इनके भी अलावा कुछ ऐसी कम्युनिटीज आपकी नज़र में हैं जिन पर सरकार आने वाले समय में बैन लगा सकती है? क्या ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनकी जो प्राइजेस हैं वो अभी कंट्रोल में होने चाहिए और अभी है नहीं? देखिए वैसे भी अगर हम फ्यूचर्स के हिसाब से अगर बात करें, आई डोंट थिंक ऐसी कोई कमोडिटी बन रही है जहाँ पे हम देखे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। मसाले जरूर है लेकिन मसालों में मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि वो असेंशियल कमोडिटीज में आते नहीं है। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने जो भी असेंशियल कमोडिटीज में आते हैं उनका सबका टेक केयर किया है एंड आई डोंट थिंक इसके अलावा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा अर्ली टू से, बिकॉज जब भी ऐसा पैंडमिक जैसी सिचुएशन बनती है ना तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने टोस पे रहती है चीजों को चेंज करने के लिए, बट आई थिंक ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने सभी चीज, चाहे कॉटन की बात कर लीजिए, कॉटन में भी गवर्नमेंट काफी एक्शन ले ली है, तो आई थिंक ऑलरेडी जो मेजर स्टेप लेने से गवर्नमेंट ले चुकी है। अगेन थोड़ा वेट एंड वॉच करके देखिए कुछ और स्टेप, क्योंकि इन्फ्लेशन इज अवर मेजर प्रायोरिटी, तो आई थिंक ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने सारे एक्शन ले चुके हैं। जी अजय जी, ग्वार की बात की जाए तो एनसीडीएक्स पर देख रहे हैं कि ग्वार एक रेंज में है अभी, तो अब जो ग्वार में तेजी आनी चाहिए वो कब तक आएगी? उधर देख रहे हैं कि अमेरिका जो क्रूड है वर्ल्ड वाइड उसकी भी जो इन्वेंट्री जो सप्लाई है वो भी थोड़ी टाइट है, तो क्या ऐसे में ग्वार में तेजी बननी चाहिए अभी? जो गिरावट है ना वो बेसिकली जो गिरावट है वो मई मंथ के अंदर पूरी इक्विटी कमोडिटी करेंसी इन सब में जो गिरावट थी उसी के तहत मार्केट में गिरावट देखी गई है। जी अदरवाइज आप तीन इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान रखिए, पहला है यूएस का प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ रहा है, रिक्स में कंटिन्यू तेजी आ रही है, रुपए में गिरावट है जो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है, तीसरा नॉर्मल मानसून के चलते फार्मर्स के पास अदर ऑप्शन है जहां पर फार्मर्स शिफ्ट हो सकते हैं। कैरी ओवर स्टॉक हम जानते हैं काफी कम है, पिछले चार पांच सालों से हमने प्रोडक्शन में कंटिन्यू डीप भी देखा है, तो सारे सेक्टर गवर्न कॉम्प्लेक्स को जबरदस्त तेजी का दिखाता है, बट मई में जी चलते जी जबरदस्त दिन की बात करें तो सबसे हॉट कमोडिटी मुझे गवर्न की। जी अजय जी, एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स से देने चाहेंगे आप? डेफिनेटली अगर जैसा भी हम फंडामेंटल गवार की बात कर रहे थे तो टॉपिक में मुझे लगता है गवार आप इमीडिएटली ले सकते हैं, अगले 10-12 दिन के अंदर इसके लिए बड़ा ब्रेकआउट देना चाहिए, पहला लेवल रहेगा 6180 का, बट मुझे लगता है ये तोड़ता हुआ 6400 तक का भी लेवल हम 10 दिन से पहले देख पाएंगे। दूसरी कमोडिटी है कैस्टर, जहाँ पे अभी भी तेजी बनी हुई है, 7800 की टारगेट को लिया जा सकता है, चेक जोन में है कॉटन सीड ऑयल के, जहाँ पे 2820-30 को लेके चलिए, 2920-30 के टारगेट के लिए, मसालों से अभी भी दुनिया बनाते चलिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आने वाले समय में कमोडिटी बाजार की जो चाल है वो कैसे रहेगी, किन कमोडिटीज़ में आपको कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा, उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का दौर लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।